श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखुर सुधार वरनउ रघुबर बिमल अस जो धायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरहु कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसों सोर भू सियावल राम चंद्र जी की जय सरनम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो बालाजी महाराज की जय हो बोली उमापती महादेव की जय हो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान विश्व वह समस्त भारत राष्ट्र में सभी जीव सुखी रहें शांति हो इस हेतु प्रतिदिन बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ किया जाता है। आप सभी भक्त जो भी इस धार्मिक आयोजन एवं बालाजी मंदिर के अन्य धार्मिक आयोजनों को देखना श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु या कोई भी पूजा आदि कराने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं। जिस स्थान पर कल्लवाणी को ब्राह्म दिया था बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो बोली बालाजी महाराज की जय हो। ले हूं चाड़ी सिए कह दो दरी बांधो नृप बालक दो तोरे धनुष चाड़ नहीं सारही जीवते हम ही कुमार को बरही। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं होगी हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो बेहदौ कछु को सहाई जीतहु समर सहित दो बाई साधु भूप बोले सुन बानी राज समाज लाज लजानी। यदि जनक जी कुछ सहायता करें तो ये तुम्हें दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले इस निर्लज राज समाज को देखकर भी लज्जा भी लजा जाएगी। बलो प्रताप वीरता बढ़ाई ना के पिना कही संग सिधाई सोई सूरता की अब के हूं पाई अस बोधि तो विधि मुहे मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता
बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता की अब कहां से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिक लगा दी। देखहु राम ही नैने भरी, तज ईर्षा मधु को, लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिम चह कागू, जिम ससु चहे नाग अरि भागू, जिम चह कुशल अकारण कही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कोआ चाहवे, सिंह का भाग खरगोश चाहवे, और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहवे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहवे। लो भी लो लुप कल कीर्ति चेही, अकलांकिता की कामी लेही, हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहवे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसे ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनो सुय सकानी, सकी लवाई गई जय रानी, राम सुवाय चले गो गाई, सिए सने हूँ बर नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई, तब सखियों ने उन्हें वहां ले गई, जहां रानी सीता जी का माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरुजी के पास चले। रानिन सहित चोच बस सिया, अब दो विदही का करनिया, भूप वचन सुन इत उत तक लखन राम डर बोलने सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस गए कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण ने ब्रगटी कुटिल चित्तवत नृपन प्रकोप, मनहु मत गज गन नेर किसिंग की सिरोही चोप। उनके नेत्र लाल और वह टेढ़ी हैं, दोनों ओर वह क्रोधी राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड
देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकल पोर नारी, सब मिली दही मई पन नारी। तई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल है गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगु कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा पुकारे। गौरी शरीर भूत बल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सुचा गए, मानो बाज के झपेटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फव रही है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषिवश कछुक अरन होई आवा। भृगुटी कुटिल नैन रियस राते, सहजहु चितवन मनहु रिसाते। सिर पर जटा है सुंदर मुख, चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, वह टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहजी देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कांधे और भाव विशाला, चारु जन हुमाल मृगुछाला। कटे मुनि वसन तुन दो बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर योग पपुतिय धारण किए, माला पहने और मृग चाल लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बतकल और दो तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण, सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। सात वेशु कर निकट ने बरनी, ने जाई सरूप धरे मुने तनु जनु वीर। रसु आयो जे सब भूप, शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राज लोग हैं वहां आ गए हों। मैं देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल वह विकुल बुहाला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे।
जय ही सुवाए चित वही हितो जानी सो जा नहीं जानु आई खुटानी जनक बहोरी आई सिरो बोंबा सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूर्ण है गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दी नहीं सकी हर सानी निज समाज ले गई सियानी विश्वामित्र मिले पुन आई पद सरोस मिले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वह सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिरवाया। साम लखन दशरथ के डोटा दे नहीं आशीष दे के बल झोटा राम ही चित विरहे थके लोचान रूप अपार मार मद मोचान। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रह गए हैं। बहोर बेलो की वेदई तैन कहूं कहा अति भीर पूछत जाने अजाने जिमी व्यापहू को पुसरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर क्रोध छा गया है। समाचार कही जनक सुनाए जही कारण महीप सब आए सुनत वचन फिर अनत निहारे दे के चाप कंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वह सब समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा। देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। अतेर से बोले वचन कठोरा कहूं जड़े जनक धनुष के तोरा बेगी देखाऊं मुड़ने ते आजू ओलेटाऊं मही जह तही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले रे मूराक जनक बता धनुष किसने तोड़ा उसे शूग्र दिखा नहीं तो अरे मूड आज मैं
जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की प्रतिमा उलट दूंगा। अति डारू उतर उदित निरपनाही कुटले भूपि हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहु सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर गया, राजा जनक को, राजा जनक जी अत्यंत भयभीत है गए, जिसके कारण वह उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न भए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सी मह तारी वेद अभिसमरी बात बिंगारी। भृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता अरद निवेश कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछताती है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कलप के समान बीतने लगा। सब बेलो के लोग सब जाने जाने की भीरू हृदय ने हरस विषादु कछ बोले श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी की डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न ही कुछ विषाद था। ना तेसाम्बुधानु बजनी हारा होई के हूँ एक दास तुम्हारा। आयुष काह के किन मोही सुनी रसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई अरे करनी कर ही लड़ाई। सुनहु राम जेउ शिव धनु तोरा सहस बाऊ सम सोरिप मोरा। सेवक वह जो सेवक का काम करे, अस्त्र का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा अस्त्र है। सो बेलेगा हूं बियाई समाजा ने तेह मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधरई अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जावे, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन हूं तो रिलारिकाई
कबहू ने असर की नहीं गोसाई, ऐ धनु पर ममता कै है तू, सुन रिसाई के ब्रकुल के तू। हे गोसाई लड़कपम ने हमने बहुत सी धनुरियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भगवान की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कोपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काले बस बोलत तो इन्हें संभार, धनहु समित प्रारि धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्रों काल के बस होने के तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, सारे संसार में विख्यात शिवजी का धनुष क्या धनुरी के समान है? लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छत लावे जून धनु तोरे, देखा राम नैन के बोरे। लक्ष्मण जी ने असर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक समान है, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूटे रगे पतहु ने दोसु, मुनि बिनु काज करई कते रोसु, बोले चितहि परसु की ओरा, रे सट सुनहु सुभाउ ने मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुवीर जी का क्या दोष? मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हो? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट तूने मेरे स्वभाव नहीं पहचाना। बालक के बोले बधाऊ ने सोई, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचार्य अति होई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूरख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार महि देवन दी नहीं, सहस भाव भुज दे छे दिनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार सहस्त्र बाहु को भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, मात पिता ही जाने सोच बस, कर सी महिष किशोर, गर्वन के अरवक दलन परसु मोरे अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा परसा बड़ा भयानक है, यह गर्वों के बच्चों का भी नाश करने वाला है।
बिहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीष महाभट सानी, पुन पुन मोह दिखाव कुठारू, चहते उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने बड़े भारी योद्धा हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहां कुमार बतिया को नाई, जय तार्जना दे के मर जाई, दे के कोठारू सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़े की बतिया छोटा कच्चा पल नहीं है, जो तर्जनी उंगली, तर्जनी सबसे उंगली की देखते ही मर जाती है। कुठारू और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। ब्रगो सोते सम जि जाने हूं बिलो की, जो कचुके हूं से हूं रिस रो की, सुर मही सुर हर जनु अरुगाई, हमरे कुल इन पर ने सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत्य देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त गौ इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे बाप अप कीर तिहारे, मारे तहूं पाप रही तुम्हारे, कोटे कोले से सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुषवान कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बेलो के अनुचित के हूं, क्षमहुं महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवान से मनी, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुषवान और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौस के सुनाऊ मंदु यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालिकु, भानु बंसिरा केश कलंकु, निपट निरकुश अब के असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुविद्ध और कुटिल है, काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है, यह बल कुल उदंड मूरक और निर्डर है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, बोली उमापति महादेव की जय। भक्तों रामायण पाठ में आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे।
और आप हमारे रामायण पाठ को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। राजेश बालाजी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूले। और अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। बोली गुरुदेव महाराज की जय।